स्वागत है आपका। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज इस वक्त चल रही है और इसके बाद 21 अक्टूबर से जो है वो 5 ओडीआई मैच की सीरीज की शुरुआत होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले ये काफी अहम सीरीज टीम इंडिया के लिए होने वाली है और ऐसे में इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 मेंबर के स्क्वाड की कि वो कौन से 16 प्लेयर होंगे जो कि टीम इंडिया में शामिल किए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बैटिंग की। तो बैट्समैन की अगर बात करें तो यहाँ पर रोहित शर्मा होंगे, शिखर धवन होंगे, विराट कोहली वापसी करेंगे, अंबाती रायडू होंगे, केएल राहुल होंगे और होंगे केदार जाधव। यहाँ से जो है मनीष पांडे टीम से बाहर जाएंगे और बाकी जो है विराट कोहली की टीम में एंट्री होने वाली है। उनके बाद दोस्तों बात करते हैं विकेट कीपर की। तो दो विकेट कीपर तो यहाँ पर होने वाले हैं, महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से परफॉर्मेंस ऋषभ पंत ने करके दिखाया है तो ऋषभ पंत भी जो है यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, यानी 3 विकेट कीपर यहाँ पर हमें इस सीरीज में दिखाई दे सकते हैं। ऑलराउंडर की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या अगर फिट हो जाते हैं तो वो हमें दिखाई देंगे और उनके साथ होंगे रविंद्र जडेजा। तो ये दो ऑलराउंडर यहाँ पर होने वाले हैं। स्पिनर्स की अगर बात करें तो कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी जो है वो हमें दिखाई देगी और ऐसे में टोटल 3 स्पिनर हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पेसर की। तो जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ये दोनों तो मेन पेसर होने ही वाले हैं और उनके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर खलील अहमद के ऊपर निगाहें होंगी कि क्या उनको दोबारा से सिलेक्शन मिलता है या फिर नहीं। दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर जैसे बॉलर्स के ऊपर भी निगाहें होंगी कि किन को जो है वो टीम में जगह मिलती है। मेन पेसर की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद जो है वो टीम में शामिल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये स्क्वाड आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।